दोस्तों नमस्कार, खास मुलाकात इस कार्यक्रम में मैं रूपा पंडित। खास मुलाकात इस कार्यक्रम में आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में हमने खास तौर पर आमंत्रित किया है बी फैशन प्लाजा गढ़चिरौली से मनोज रामराज जी देवकुली। सर, सबसे पहले तो आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मैम। सर, सबसे पहले मैं चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को अपना परिचय बताएं। मैं गढ़चिरौली से बी फैशन प्लाजा मनोज रामराज देवकुले। सर, आपकी प्राथमिक शिक्षा कहाँ पर हुई है, आपके परिवार में कौन कौन लोग इस व्यवसाय से जुड़े हैं, बताइए। मैम, हमारी प्राथमिक शिक्षा तो गढ़चिरौली से हुई है जी। प्रॉपर हमारे पिताजी थे जो वहाँ पे अपना बिजनेस था उनका होटल से। दोस्तों, कैसे कोई व्यक्ति छोटी शुरुआत से बड़े प्रयास तक जा सकता है, इसका जीता जागता उदाहरण है बी फैशन प्लाजा नामक गढ़चिरौली के प्रसिद्ध शैलेश देवकुले और मनोज देवकुले ब्रदर्स। सर, हमने सुना है कि आपकी सफलता में आपके भाई का भी बहुत बड़ा योगदान है, तो कैसे मैनेज करते हैं आप दोनों मिलके? दोनों भाई खूब मेहनत करते हुए कारोबार को बहुत उच्च लेवल तक के लेके जा रहे हैं जी, और अभी चल ही रहा है समझो ना, अभी सब मेहनत का ही फल है समझो ये। सर, आपके परिवार में और कौन कौन लोग इस व्यवसाय से जुड़े हैं, आप दोनों भाइयों के अलावा? ये तो जो बी फैशन प्लाजा है ये तो हम दोनों ही संभाल रहे हैं जी। फिर जो बड़े भैया थे सुरेश भैया, उनका भी इसमें बहुत अच्छा सहयोग था। फिर जो विजय भैया है उनका उज्जवल फार्मा दवाई की शॉप है। सर, आपके घर में एक महिला है जो कि MPSC में फोर्थ टॉपर रही है जी, क्या ये बात सही है? हाँ, बिल्कुल सही है, वो शैलेश की मिसेस है जी। तो मतलब एजुकेशन फर्म में भी आपके परिवार ने बहुत नाम रोशन किया है। पॉलिटेक्निक कॉलेज में प्राध्यापिका करके जा रहे हैं वो। अच्छा सर, ये बता सकते हैं कि इस फील्ड में किस उम्र में आपने शुरुआत की थी यहाँ आने? हम तो बहुत कम उम्र से इस फील्ड में काम में लग गए थे समझो। लगभग यानी 22 साल का मैं था, शैलेश जो मेरा छोटा भाई है वो 20 साल के लगभग वो था। तो आप लोगों को ये जो शिक्षा है, मतलब व्यवसाय शुरू करने की प्रेरणा है, ये घर से मिली या फिर आपको खुद ऐसा लगा कि नहीं, एक फैशन की दुनिया में कदम रखना चाहिए? हाँ मैम, फैशन की दुनिया में तो एक तो फैशन ही था, जो दिखता है वही बिकता है। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, फील्ड बहुत अच्छी चूज किया नो डाउट, लेकिन होता है ना कि कोई अपना परिवार का जो बिजनेस है वो आगे बढ़ाने की कोशिश करता है, कोई अपने ओन दिमाग से कि नहीं हमें ये जो आने वाले दिनों में फैशन की दुनिया बनने वाली है तो इसलिए इस व्यवसाय को शुरू किया जाए, ऐसी सोच रखते हैं। हाँ मैम, यहाँ गढ़चिरौली में लग रहा था इस थोड़ी सी जरूरत है इस चीज़ की, क्योंकि काफ़ी उस टाइप का मार्केट नहीं था। जैसे हम बाहर देखते थे नागपुर चंद्रपुर, लोगों को बाहर जाना पड़ता था खरीदी के लिए, छोटी छोटी खरीदी के लिए जो चीज़ें अवेलेबल नहीं रहती थी। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हमने ये कारोबार कपड़ों का शुरू किया जी। जी, ये बात तो बहुत अच्छी बात है सर, कि कई बार ऐसा होता है कि कई लोग अपने क्षेत्र को, अपने शहर को छोटा सा गांव समझकर हर चीज़ के लिए दूसरे शहर पर डिपेंडेंट रहते हैं, लेकिन आपने अपने ही शहर में रहकर अपने ही शहर वासियों के लिए एक इतना बड़ा फर्म बी प्लाजा शुरुआत की है, ये बहुत बड़ी बात है। सर, पारिवारिक पृष्ठभूमि की बात करें तो आप एक होटल व्यवसाय के बेटे हैं जितना हमने सुना है जी। तो आपने खुद के कपड़ों का व्यवसाय शुरू करने का निर्णय कैसे लिया, मतलब आपको फैमिली से किस तरह से सपोर्ट मिला कि होटल व्यवसाय का जो है बिजनेस छोड़ के आप कपड़ों के व्यवसाय में कैसे आए? ये तो मैडम था एक इंटरेस्ट था और चीज की जरूरत थी गढ़चिरौली में, कभी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी गढ़चिरौली में, कभी कपड़े की कुछ खास शॉप नहीं थी वहाँ पे, तो इसीलिए आपने शुरू किया। अपने शुरू किया है। अच्छा अच्छा अच्छा।
अच्छी बात है सर। सर वेस्टर्न ड्रेस, एथनिक वेयर, मेंस वेयर, मतलब किस किस टाइप की वैरायटीज़ जो हैं वो आपके भी प्लाजा फैशन मॉल में अभी रखी गई है हाल ही के दिनों में? मैम हमारे यहाँ तो एकदम लेटेस्ट से लेटेस्ट चीज़ें जो बड़े बड़े शहरों में, मुंबई, अहमदाबाद, सूरत में, और हमारी परचेसिंग भी डायरेक्ट ही रहती है, तो जो भी लेटेस्ट है वो सभी हमारे पास यानी उपलब्ध रहता ही है। मतलब मल्टीनेशनल ब्रांड जो है जी वो कपड़ों की उपलब्धता जो है वो जी जी आपके शॉप में जी अवेलेबल जी है जी जी। कपड़ों का चुनाव कैसे करते हैं? मतलब लोग आज का जो चल रहा है यंग जनरेशन जी उसे देखकर, या फिर आप हर वैरायटी के, चाहे वो ट्रेडिशनल हो, वेस्टर्न हो? जी हमारे शॉप में तो कैसे हमारे को वेस्टर्न भी रखना ही है, ट्रेडिशनल भी रखना है, क्योंकि शादियों के भी कस्टमर बहुत रहते हैं, तो ने सारी वैरायटीज हम गढ़चिले वासियों के लिए तो रखते ही है समझो। सर मैं चाहूंगी कि आप बताइए कि आपके शॉप में कौन कौन सी चीजें जो है वह अभी अवेलेबल है, मतलब सिर्फ मेंस वेयर है या फिर नहीं लेडीज मैम वेयर या हमारा फिर टोटली सारी पूरा चीजें नहीं नहीं हमारा अवेलेबल पूरा फैमिली स्टोर है, इसमें साड़ियाँ से लेके घाघरा चुन्नी से लेके दूल्हे के लिए सूट अच्छा। शेरवानी यानी सारी चीज़ें हैं, फिर वेस्टर्न ड्रेसेस पूरा ही बच्चों से लेके बड़ों तक का पूरा ही मिलेगा अपने यहाँ। चलिए सर ये तो हो गई व्यवसाय की बात। एक व्यवसायी होने के साथ ही साथ आपका समाज में भी बहुत बड़ा योगदान है, तो सामाजिक कार्यों में सदैव आगे रहने के लिए आप लोगों को भी प्रेरित करते हैं, इसके लिए आप क्या मतलब उपाय योजना करते हैं? सामाजिक कार्य करते रहना चाहिए, इसके लिए क्या आप प्लान करते हैं गढ़चिरौली क्षेत्र के अंदर? हाँ मैम सामाजिक कार्य के लिए तो रहता ही है, मेरे पास समय जो भी रहता है मैं निकालता हूँ। मैं लायंस क्लब के माध्यम से भी यानी मैं तो फाउंडर मेंबर हूँ लायंस क्लब का, तो वहीं से भी काफ़ी सारा सामाजिक कार्य हो जाता है। एक आदिवासी बहुल नक्सल ग्रस्त भागड़ चिरौली की आप एक विकसित शैली के रूप में परिवर्तित करने का प्रयास कर रहे हैं, फैशन की दुनिया में इसे मतलब लेकर जा रहे हैं, तो इसके लिए और क्या-क्या प्रयास कर रहे हैं आप? हाँ मैम अभी बहुत बड़ा मैं शोरूम डाल रहा हूँ यानी भाई के साथ में मिलके, जी बिल्कुल। जो लगभग यानी 33,000 स्क्वायर फीट में है, यानी बहुत बड़ी जगह में बन रहा है। 33,000 स्क्वायर फीट में जी शायद गढ़चिरौली का सबसे बड़ा ये अपने आप जी में होगा। अच्छा, तो ये कब तक पूरा हो जाएगा सर? ये प्लानिंग तो चल रही है मैम, फरवरी तक के इसका हम स्टार्ट कर देंगे अच्छा, 2023, 2023 तक। क्या बात है सर, क्या खास रहेगा वहाँ? वहाँ तो मैम बहुत सारी चीज़ें खासी रहेगी अच्छा, मतलब जी, सस्पेंस रखा है अभी फिलहाल आपने। सस्पेंस। नहीं, कोई कोई दिक्कत नहीं, हमारे दर्शकों को भी मैं बताना चाहूंगी कि फरवरी में जरूर एक बार गढ़चिरौली में विजिट करें, नया शोरूम ना देखें लेकिन बी प्लाजा फैशन मॉल में जरूर जाए। सर ये बताइए कि आप अपने कर्मचारियों को किस तरह के रोजगार की सुविधा उपलब्ध कराते हैं? आपके यहाँ पर अभी टोटल एम्प्लॉयज कितने हैं? मैम अभी हमारे स्टाफ लगभग यानी 35 लोगों का स्टाफ है, लेकिन अभी जैसे नया शोरूम जैसे हमारा बनेगा तो वहाँ पे तो करीब करीब 100 के ऊपर ही का स्टाफ रहेगा वहाँ पे, यानी 100 लोगों को तो रोजगार मिलना ही मिलना है। अच्छा सर, एक समय था जब पूरी दुनिया जो है वो कोरोना महामारी से जूझ रही थी, तो ऐसे में आप अपने कोरोना काल के समय का कुछ अनुभव हमसे शेयर करिए। बाकी मैम बहुत बुरा दौर था वो कोरोना काल में, जैसे दो दो बार जैसे लॉकडाउन जो हुआ था उसमें तो शॉप बंद थी, पूरा कारोबार बंद, लेकिन उस समय में भी हमने हमारे वर्कर को
पूरा सैलरी दिया है, मतलब काम से किसी को भी नहीं तो निकाला। नहीं नहीं काम से तो निकालने का नहीं, उनको सैलरी दिए। जी हाँ, और उनको तो सैलरी दिए, बाकी आजू बाजू जो भी है, जो गरीब लोग हैं उनको भी हमने कुछ पैसों की मदद, जैसे पंडित जी रहे तो ये जो मंदिरें बनती, जी हाँ, तो उसमें भी जैसे पंडित लोगों को भी कुछ पैसा दिए है। जी जी और जैसे हमारे पास खेती है तो वहाँ पे चावल रहते थे, और उस समय में पहले चावल पिसा के आ गए थे एक्चुअली घर पे अच्छा। शादी रहने से, तो वो भी चावल काफ़ी हमने बांट दिए, बांट दिए थे। क्या बात है सर। जी तो इसमें आपके पूरे परिवार का सहयोग था हाँ आपके। मैम, बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पे तो पुराने सब, हम लॉकडाउन में तो ऐसा था कि ने सारे बच्चे जो नागपुर मुंबई जो पढ़ते थे तो वो भी सब घर पे ही थे सर आपके रात से। परिवार में कौन कौन लोग हैं। हमारे परिवार में बड़े भैया हैं जिनके उनका देहांत हो गया है, उनके जो बेटे हैं डॉक्टर, भतीजा जो मेरा वो डॉक्टर है, उनकी मिसेज भी डॉक्टर है, फिर जो दूसरे भैया सुरेश भैया उनके भी दो बच्चे हैं, भाभी है और विजय भैया है, उनकी मिसेज, उनके दो बेटे, जो एंजल है वो भी गोल्ड मेडलिस्ट है अपने क्या जो बात है। जी अपने राष्ट्रपति अवार्ड मिला है उनको भी क्या बात है सर, जी। मतलब पूरा परिवार जो है आपका वेल एजुकेटेड होने के साथ ही हायर क्वालिफाइड भी है, और लगभग सभी बिजनेस जो है वो बहुत ही अच्छे से बखूबी निभा रही है, और उसमें आपका भी सपोर्ट रहा है, जी इसमें कोई संदेह नहीं। सर ये बताइए कि नया शोरूम जो है, तो जैसे कि आपने बताया कि 33 एकड़ तक फैला रहेगा, और क्या खास विशेषताएं हैं आपके नए शोरूम में। हाँ, नए शोरूम में तो मैम विशेषता विशेषता रहेगी लगभग, उसमें थोड़ा फुटवेयर वगैरह भी का प्लान है, अच्छा, मतलब एक फुटवेयर ही छत के जी नीचे जी सारी चीज़ें सारी मिल जाए, चीज़ें ऐसा कुछ आप प्लान कर रहे हैं। जी सर ये बताइए कि नए शोरूम की हम बात कर रहे थे कि गढ़चिरौली ज़िले के अंदर हमने सुना है कि 33 हज़ार हजार स्क्वायर फिट में जो फिट है में आपका बहुत बड़ा शोरूम बनने जा रहा है, तो क्या खास रहने वाला है हमारे जैसे लोगों के लिए वहाँ पर, आप जैसे लोगों के लिए तो बहुत कुछ खास रहेगा, बताइए। जैसे वेस्टर्न्स के काफी सारे, यानी पूरा ग्लैमरस ही रहेगा समझो ना मतलब एथनिक और एथनिक वेस्टर्न है, वेस्टर्न इंडियन रहेगा, सारे इंडियन स्टाइल्स के जो हैं जी वो वहाँ पर जो क्लॉथ है वो अवेलेबल रहेंगे। इसके जी अलावा आपने कहा कि फुटवेयर भी जो है, फुटवेयर रहेगा अच्छा, साथ मतलब कुछ में, मैचिंग वर्क करने वाला परचेस सिस्टम है। लेडीज परचेस भी रहेंगी उसमें, ओके हैंडलूम्स का काफ़ी सारा बड़ा रहेगा, जहाँ पे अभी गढ़चुली में हैंडलूम्स का है ही, थोड़ी सी रिक्वायरमेंट है ही, वो रिक्वायरमेंट को देखते हुए कस्टमर के। जी। सर ये बताइए, मेरा आखिरी सवाल आपके लिए रहेगा कि आपकी भावी योजनाएं क्या है। आज गढ़चिरौली क्षेत्र के अंदर बहुत बड़ा शोरूम है आपका, और एक बार फिर ये जो शोरूम है आप इसको और ज़्यादा मतलब इंटीरियर के तौर पे बता सकते हैं, या फिर बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आप एड ऑन करने जा रहे हैं, जो शायद पूरे गढ़चिरौली में नंबर 1 की पोजीशन पर रहेगा। तो और क्या क्या प्लान है आपके। मैम अभी तो फोकस है गढ़चुली में बहुत बड़ा जो प्रोजेक्ट को चालू करने का, फिर भविष्य में अभी जैसे मेरे पास मेरा बेटा भी आ गया है, जी भाई है, भतीजे है, तो हमारी एक जैसे बोलते हैं ना संकल्प, ऐसी भी चेन पैसन आपकी चेन, बढ़ रही है। हाँ चेन बढ़ रही जी है, तो जी हो जी सकता है आने वाले समय में नागपुर में भी एक बी पैशन प्लाजा देखने मिल जाए आपको। क्या बात है सर, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो सर ने अभी सस्पेंस रखा है, और सस्पेंस रखने के पीछे का भी रीज़न यही है कि आप खुद उनके शोरूम में आए और देखें कि हर वैरायटी की, हर क्वालिटी की, और बहुत ही अच्छी अच्छी वैरायटीज़ जो हैं वो इंडियन हो या वेस्टर्न हो या एथनिक हो, हर चीज़ की जो वैरायटीज़ हैं वो एक ही छत के नीचे आप लोगों के लिए अवेलेबल रहने वाली है। दोस्तों एक बार फिर मैं आपको बता दूं कि आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में खास तौर पर हमने आमंत्रित किया था मनोज देवकुले सर को। सर आपका एक बार फिर हमारे स्टूडियो जी में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मैम।
लोग कहते हैं कि जब कोई कार्य मेहनत और लगन से करो तो वह हमेशा आपके मेहनत का फल प्रदान करती है, और इसी का जीता जागता उदाहरण है देवकुले ब्रदर्स। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मनोज रामराजी देवकुले और शैलेश रामराजी देवकुले। इन बिसिन की खास मुलाकात में मैं रूपा पंडित देती हूँ आप सभी को यहीं पर इजाजत, और आप देखते रहिए इन बिसिन न्यूज़। नमस्कार।